हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गन मेटल एक सैंपल है, उसका एस्टीमेशन हम किस तरीके से करते हैं। इसके अंदर हमारा कॉपर होगा, जिंक होगा और टिन होगा। तो कॉपर का हम एस्टीमेशन करेंगे बाय आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें हम जिंक का करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ में, और टिन को हम करते हैं बाय ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके, तो ये तीनों ही चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे फॉलो किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट में। देखिए, गन मेटल जो है ये हमारा अलॉय होता है। अलॉय बेसिकली क्या होते हैं, हमारे दो या उससे ज्यादा जब हमारे मेटल्स एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, अलॉय। टू और मोर एलिमेंट्स जिसमें से एक हमारा क्या होना चाहिए, विच मस्ट बी मेटल, मेटल होना ही चाहिए। ठीक है, अब इनको हम मिक्स कर देते हैं। अब ये आप क्या कर सकते हैं, मोल्टन फॉर्म के अंदर लेके आके, मतलब उन्हें पिघलाया जाता है, फिर उनको अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब अलॉय बनाने का यही फायदा है कि जो सिंगल मेटल होता है सिर्फ हमारा, जैसे कि हम आयरन की बात करते हैं, तो अगर आप प्योर आयरन लोगे तो फिर उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को डाल के एक अलॉय बनाते हैं। अब वो जो अलॉय होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, मोर ड्यूरेबल होता है, रस्ट फ्री रहेगा, कोरोजन रेजिस्टेंट रहेगा, तो हो गई ना उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा बेटर एक प्योर मेटल से। तो इसीलिए अलॉयस हमारे यूजफुल होते हैं। जो हमारा एसएस यूज होता है घर में, बिल्डिंग, ये सब जगह पे यूज होता है एसएस, तो स्टेनलेस स्टील यूज होता है, तो इसी तरीके का दिखेगा स्टेनलेस स्टील भी। ठीक है, तो उसी की क्या होती है, ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं देन प्योर आयरन। तो देखिए, आपका जो अलॉय है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, जितने भी आपने एलिमेंट्स को कंबाइन किया है उसकी सबकी प्रॉपर्टीज आएंगी, चाहे वो डक्टिलिटी से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल हो, सारी प्रॉपर्टीज। यहाँ पर देखिए, अ मेटल दैट इज नॉर्मली वेरी सॉफ्ट मेलेबल, जैसे कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमें पता है बहुत सॉफ्ट मेटल है, मेटल सॉफ्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी यही है कि वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब दो मेटल्स को आपस में हम कंबाइन एक तरीके से कर देते हैं तो वो पहले वाले जो मेटल था उससे ज्यादा स्ट्रांग मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने यही चीज दिखाई है, क्योंकि गन मेटल जो होता है वो एक अलॉय है और हम उसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें कई तरह के मेटल्स प्रेजेंट होंगे, तो हमें सबका ही एस्टिमेशन करना है। यहाँ पर देखिए, एक कॉमन एग्जांपल मैंने लिया है स्टील का। जैसे कि हमारा प्योर आयरन जो है उसमें हमारा क्या है, Fe। ठीक है, जब हम उसको स्टील बनाते हैं तो इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, कार्बन। तो आयरन और कार्बन जो है ये हमारा होता है बेसिकली स्टील। अब प्योर आयरन से ज्यादा आपका ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा अच्छा जो होगा वो होगा स्टील, स्टील से ज्यादा अच्छा होगा स्टेनलेस स्टील। अगर इसी चीज के अंदर हम क्रोमियम को ऐड कर देते हैं तो हमारा मिल जाता है एसएस, जो आपने सुना ही होगा, स्टेनलेस स्टील इसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये है हमारे कुछ सस्पेंशन ब्रिज, ये आपने दुनिया भर में देखे होंगे बने हुए हैं। आप घर के अंदर ये सॉस पैन जो होता है, किसी भी तरह का पैन होगा, वो आपका इसी तरीके से बना हुआ होता है, तो ये आपका स्टील या स्टेनलेस स्टील का ही हो सकता है। तो यही वो अलॉयस हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए किस किस चीज की वजह से हम इसको यूज करते हैं, हाई स्ट्रेंथ, टफनेस, और ये क्या कर सकता है, जो भी इसका हीट ट्रीटमेंट है उन चीजों को, मतलब ये सह पाएगा जो नॉर्मल मेटल्स नहीं सह पाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए इसके। यहां पर मैंने एक चीज ऐड की है जो कि यही है कि आयरन, कार्बन और क्रोमियम मिलके हमें क्या देते हैं, स्टेनलेस स्टील, जिसकी रस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो रस्ट प्रिवेंट करता है, जबकि आयरन जो है वो बहुत जल्दी रस्ट ले लेता है। अगर इसी में आप सिलिकॉन डाल देते हो तो आपको सिलिकॉन स्टील मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयस हैं। अलॉयस बहुत तरह के आपको मिलेंगे, जिस जिस तरह का अलॉय होगा उसमें मतलब मेटल अलग अलग यूज किया गया है। अगर दो मेटल ये वाले डालोगे तो अलग अलॉय मिलेगा, कुछ और मेटल लोगे तो अलग अलॉय मिलेगा। अब जब अलॉय अलग अलग टाइप के हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, तो इसीलिए उनका यूज भी अलग अलग होंगे। तो देखो, यहाँ पे है ब्रास, सुना होगा आपने ब्रॉन्ज। ठीक है, एक होता है जर्मन सिल्वर, एक होता है रोल्ड गोल्ड। ये रोल्ड गोल्ड जो है यही वो है जिसको मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था। एक तो मैंने लिया कॉपर और एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम सॉफ्ट है, कॉपर भी है, लेकिन अगर मिक्स कर दोगे तो इसके क्या बन जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं, जो गहने वगैरह होते हैं, तो सस्ते गहने जो होते हैं वो इस चीज से बनाए जाते हैं, रोल्ड गोल्ड से। नेक्स्ट जो है वो गन मेटल है जिसका हम इस वीडियो के अंदर एस्टिमेशन देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ पे डच मेटल है। तो देखो, सबके अंदर अगर आप देखोगे जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग है,
किसी में जिंक है, किसी में कॉपर है, किसी में दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ब्रास आपको पता है कॉपर जिंक होता है, और ब्रॉन्ज आपको पता है कॉपर टिन होता है। ठीक है, तो जो ये गन मेटल होता है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, गन मेटल को हम कहते हैं कि ये एक तरह का ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज यानी कॉपर टिन तो है ही, आप यहां पे देख भी सकते हो गन मेटल के अंदर कॉपर और टिन आपको दिख रहा है, प्लस इसके अंदर जिंक भी मिल जाता है। अच्छा, ये जो लेड लिखा हुआ है ये भी होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है। आगे मैं इसमें कॉम्पोजिशन मैंने लिखी हुई है उसके अंदर हम देख लेंगे। तो इसके अंदर मेनली जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कॉपर, टिन आपका SN और आपका जिंक। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर लेड भी कभी कभी प्रेजेंट होता है, डिपेंड करता है, वो वेरी करती है कॉम्पोजिशन। अब देखिए इसका यूज किस किस में होता है, गन में, बैरल में, गियर्स और बियरिंग्स में। गन का जो बैरल होता है ना, जैसे आप फायर करते हो बुलेट को तो वो जिस पार्ट से होके जाती है वो पूरा बैरल होता है गन का। ठीक है, यहां पे देखिए जैसे ये है, ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई, गन के अंदर यूज होता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं कह रही हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये गन का बैरल कहलाता है। इसके अंदर भी हम गन मेटल का यूज करते हैं। ये हमारे गियर्स हो गए, ठीक है, गियर्स और बियरिंग्स हो गए। ये वाला जो है ये हमारा हो जाता है लाइट हाउस, जो बने हुए रहते हैं इनमें भी यूज हो जाता है। और ये हमारा हो गया रिम, जो टायर के ऊपर लगा हुआ आपको दिखता ही है। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस हो जाती हैं, यूजफुल भी तो है ये कहीं ना कहीं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है, कहाँ पे यूजफुल है देखिए, मैंने कहा एक टाइप का ब्रॉन्ज है गन मेटल जो है। ब्रॉन्ज से आप ये याद रख सकते हो, अगर आपको नहीं याद रहता है तो, कि गन मेटल जो है एक टाइप का ब्रॉन्ज है। अब ब्रॉन्ज में होता है आपका कॉपर और टिन, तो Cu और Sn तो रहेगा ही, प्लस इसके अंदर जिंक भी होता है। ठीक है, कॉपर, टिन एंड जिंक। सबसे पहले हम एस्टिमेशन जो है वो कॉपर वाले का करते हैं, फिर जिंक का होता है, और फिर आप टिन का कर सकते हो। देखिए यहां पर जो है अप्रोक्सीमेट यहां पे लिखी हुई है कॉम्पोजिशन जो आपको दिखेगी इस टेबल के अंदर। यहां पे देखिए गन मेटल, ठीक है, ये अलॉय नेम है गन मेटल। यहां पे देखिए परसेंटेज ऑफ कॉपर 90 है, ये 5 और ये 5। लेड की यहां पर कोई भी मेंशन नहीं की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहां पर वैसे आप देखोगे कॉम्पोजिशन ये वेरी करेगी, लेकिन आपको लगभग लगभग इतनी ही दिखाई देगी। आपको जो कॉपर है वो 88% मिलेगा, कॉपर जो है वो लगभग 88% के आसपास ही मिलेगा। 8 से 10% जो है वो टिन होता है, और सबसे कम क्या रहेगा, जिंक रहेगा। क्योंकि देखो मैक्सिमम जो इसकी आपकी कॉम्पोजिशन है वो दो चीज की है, एक तो आपकी है कॉपर और दूसरा टिन। तो कॉपर टिन अगर इसमें ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये ब्रॉन्ज जैसी प्रॉपर्टी ही शो करेगा, इसीलिए एक टाइप का ब्रॉन्ज कहलाएगा। अब इसमें थोड़ा बहुत जिंक भी है तो इसीलिए टाइप ऑफ ब्रॉन्ज है, प्योर ब्रॉन्ज नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज थी कि इसकी कॉम्पोजिशन इस तरीके से रहती है। आगे देखिए, अब हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर हम एस्टिमेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके अंदर अपैरेटस। तो अपैरेटस ये सब हम यूज करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, पिपेट, ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, स्पैचुला, ये सिलिका क्रूसिबल आपको चाहिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए, वॉच ग्लास, फनल, बीकर और ड्रॉपर। ये सब कुछ मेन चीजें हैं जो आपको चाहिए ही एक्सपेरिमेंट करते हुए। केमिकल रिक्वायर्ड, केमिकल इसमें काफी सारे चाहिएंगे क्योंकि इसमें आपको अलग अलग तरह की टाइट्रेशन करनी है। देखिए एक तो आपको सैंपल चाहिए जिसमें आपका कॉपर, जिंक एंड टिन है। नेक्स्ट आपको कॉपर सल्फेट चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, वॉटमैन पेपर चाहिए, स्टार्च सॉल्यूशन चाहिए, थायोसल्फेट चाहिए, EDTA चाहिए, आपका ये जो इंडिकेटर्स हैं ये सारे चाहिए, EVT का सॉल्यूशन, ये सभी चीजें आपको चाहिएगी। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने फिर से मेंशन किया है कि गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको दिखे कि हम किसका एस्टिमेशन किस चीज से करते हैं। देखिए यहां पर मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेंशन किया है कि कॉपर आयंस बाय आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। हमें पता है कि कॉपर आयंस को हम किससे कर सकते हैं एस्टिमेट, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ में। सबसे पहले हम इन्हीं को एस्टिमेट करेंगे। सेकेंड आप कर सकते हैं जिंक आयंस को बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। थर्ड चीज आती है कि हम टिन को करेंगे किससे, ग्रेविमेट्रिक टेक्निक से। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे एस्टिमेशन होता है। देखो सबसे पहले चीज आती है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो टाइट्रेशन होती है उसके अंदर ये इक्वेशंस यूज होती हैं। मतलब जो प्रोसेस है वो बेसिकली इस तरीके से है,
और आपको रिजल्ट मिलते चले जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे आयोडीन वाले जो टाइट्रेशन है जिसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे जो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है ये वही सोल्यूशन है जिसके अंदर आपका कॉपर आयन है। ठीक है, कॉपर आयन है मतलब वो कॉपर 2+ की फॉर्म में है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिखा है बेसिकली यहाँ पे आपकी कॉपर 2+ आयन्स है। ठीक है, अब देखिए जो प्रोसीजर होता है, जब आपको प्रोसीजर पता होगा तो आपको ये इक्वेशन अपने आप समझ में आ जाती है। अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो इक्वेशन थोड़ी लग सकती है कि इस तरीके से कैसे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है 4KI, KI जो सोल्यूशन है वो हम ऐड करते हैं, प्रोसीजर के अंदर ये चीजें आती हैं तो इसीलिए KI लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। फिर यहाँ पे थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेट के साथ में रिएक्शन करके ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो ये प्रोसीजर वाला पार्ट होता है, उसी के थ्रू ये रिएक्शन हो पाती है। तो रिएक्शन ये इन्वॉल्व हो गई। इसके बाद में देखिए यहाँ पर है लिबरेट I2। अब देखो यहाँ पे हम प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, हम KI डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारा कॉपर 2+ वाला सोल्यूशन है, तो ये क्या करेगा, कॉपर 2+ से 1+ में जाएगा मतलब रिड्यूस होगा। तो वो जो आई नेगेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है ये KI में, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, I2। I2 की क्या है, जीरो में स्टेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिबरेट कर देगा आयोडीन जो जीरो स्टेट में है, I2 लिबरेट करेगा फ्रॉम आई नेगेटिव सोल्यूशन। ठीक है, देखो एंड देन लिबरेटेड I2। अब ये जो I2 आपकी लिबरेट हुई है इसको हम किससे टाइट्रेट करते हैं, किसके साथ में टाइट्रेट करते हैं, थायोसल्फेट सोल्यूशन जिसको हम हाइपो सोल्यूशन भी कहते हैं, Na2S2O3 ये वाला सोल्यूशन है विद अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपका थायोसोल्यूशन। अब वो क्या करेगा, इस I2 को फिर से रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का वही काम है कि वो दूसरे को रिड्यूस करता है, तो ये फिर से इसको रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बस ये आपको मिलेगा सोडियम टेट्राथर्नेट। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो गई। अभी हम जब प्रोसीजर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या क्या रिएक्शन हुई है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आयडोमेट्रिक टाइट्रेशन आपका वॉल्यूमेट्रिक केमिकल एनालिसिस है। ठीक है, एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन होगी आपकी। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है आयोडीन की। इनडायरेक्ट क्यों कहा है मैंने इसको, क्योंकि आयोडीन पहले लिबरेट होती है, फिर वो जो लिबरेटेड आयोडीन है उसको हम टाइट्रेट करते हैं। मैंने डायरेक्टली कहीं से आयोडीन नहीं दी है, आयोडीन सोल्यूशन में से ही जनरेट हुई है और उसी को टाइट्रेट किया है, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन लिबरेटेड बाई रिएक्शन एंड वी डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही होता है आपका आयोडोमेट्रिक में। आपने जितना यहाँ पे सोल्यूशन लिया कॉपर 2+ वाला, यहाँ पे आपने इसकी क्या करी, इसको आपने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ये आपका जितना रिड्यूस हुआ मतलब जितनी आपकी आयोडीन लिबरेट हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम इस वाले की कॉन्सेंट्रेशन पता लगा लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। जितना ये रहा होगा उसी हिसाब से ये रिड्यूस हुआ होगा और उस हिसाब से I2 लिबरेट हुई। जिस हिसाब से I2 लिबरेट हुई उसी के अकॉर्डिंग थायोसल्फेट ब्यूरेट में से हमारा यूज होता चले जाएगा, तो वही आपको रीडिंग देगा एक्चुअल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली कॉन्सेंट्रेशन थी। ये यहाँ पे इसका मीनिंग है। देखिए यहाँ पर है फ्री आयोडीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बहुत रिवर्सिबल रिएक्शन है। बेसिकली ये कहने का मतलब है ले भी सकता है दे भी सकता है, दोनों तरीके से हो सकती है चीजें। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये डायग्राम ये मैंने बताया है बस इसके अंदर फोटो लगा के कि यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो ये वो वाला स्टेज है जहां पे आप इसको जो है डार्क में रख देते हो और आपकी पूरा सोल्यूशन का कलर एकदम डार्क ब्राउन हो जाता है क्योंकि सारी आयोडीन लिबरेट हो जाती है सोल्यूशन के अंदर। और इसके बाद में जब आप टाइट्रेट करते हो तो ये टाइट्रेशन हो रही है, टाइट्रेशन होते होते आपको एक इस कलर से इस कलर पे पहुंच जाते हो, तो लाइट येलो पेल येलो कलर मिल जाता है। पेल येलो कलर जैसे ही मिलता है फिर उसके बाद में हम इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, स्टार्च इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, ब्लू ब्लैक कलर का होता है, उसके बाद में थायोसल्फेट और डालते हैं तो क्या हो जाता है कलरलेस। जहां कलरलेस हुआ वही एंड पॉइंट। रीडिंग नोट डाउन, बस रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है, रिएक्शन यही हो रही है जो मैंने लिखी थी ऑलरेडी, कॉपर 2+ वाला जो सोल्यूशन है उसमें KI डाला, रिएक्शन हुई, रिड्यूस हो गया कॉपर 2+, तो लेकिन I2 लिबरेट हुई। यही I2 जो लिबरेट हुई है इसी को हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं यहाँ पे थायो के साथ में। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है ये वॉटर इनसॉल्युबल होता है जो I2 है। अब यहाँ पे ये और जो हमारा एक्सेस में KI डाला हुआ है उसी के साथ में मिलके ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाता है I3-।
ये I3 माइनस रिएक्ट करता है स्टार्च के साथ में। अभी हम आगे देखेंगे तो आपको क्लियर होता चले जाएगा। स्टार्च और ये ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स ये मिलके आपको देते हैं वो जो ब्लू ब्लैक आपको डीप कलर जो दिखता है, ब्लू ब्लैक कलर जो आपका होता है। इंडिकेटर डालने के बाद में कलर क्यों आता है, इसकी वजह से आता है। ये क्वेश्चन में आता है कि स्टार्च और ये मिलके आपका डार्क ब्लू ब्लैक कलर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरीके से डार्क ब्लू ब्लैक कलर क्यों बना है, तो इसका आंसर अभी आगे भी देखेंगे। और ये रिएक्शन है कि इस वजह से बना है। अब ये जो आपका ये I2 लिबरेट हुई थी थायोसल्फेट के साथ में मिलके, ये फिर से क्या हो जाएगी, रिड्यूस, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन से इन्वॉल्व है आयोडोमेट्रिक में। देखो यहाँ पे है आपका स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, जो आप जैसे ही आप स्टार्च ऐड करते हो तो आपका सोल्यूशन एकदम काले काले रंग का हो जाता है, डार्क डीप ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, वो रीजन मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। देखिए स्टार्च जो है वो आपका इंडिकेटर है इस टाइप के प्रोसीजर के लिए, क्योंकि एकदम इंटेंस ब्लू कलर देता है और जैसे ही वो कलरलेस जाएगा आपकी आंखें आराम से देख सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आपका जो यहाँ पे एक्यूरेसी है एंड पॉइंट को नोट करने की बहुत हाई रहेगी। इसीलिए हम ऐसे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं ऐसे टाइट्रेशन के अंदर। सेकेंड चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि इसके अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमें पता ही है कि लीनियर होता है हेलिकल अमाइलोस ब्रांच अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। वैसे ही इस तरीके का दिखता है सोल्यूशन जब बनता है इसका, इस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाया है। अब ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि इसी के अंदर जो आपका ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि I3 माइनस है ना, तो तीनों आयोडीन इसी तरीके से रहेंगे विद नेगेटिव चार्ज, तो ये पूरा लीनियर स्ट्रक्चर है। ये लीनियर स्ट्रक्चर जा सकता है इस हेलिकल फॉर्म के अंदर, तो ये जो हेलिकल फॉर्म है इसके अंदर क्या चले जाएगा, ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स जो है, तो इस तरीके से बाइंड करता है। आप जैसे भी तरीके से बाइंड करेगा उसी बाइंडिंग की वजह से ही वो आपका ये कलर देता है, ठीक है। ये इस बाइंडिंग की वजह से आता है। यहां पर मैंने लिखा भी है अमाइलोस एक्चुअली फॉर्म्स अ स्पाइरल मच लाइक अ कॉइल्ड स्प्रिंग, ठीक है। अब ये जो अमाइलोस है ये इस तरीके का एक कॉइल स्ट्रक्चर बनाता है, हेलिकल फॉर्म इसको कह देते हैं हम। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ट्राइआयोडाइड है, तो I नेगेटिव चार्ज है तो एक लीनियर हो गया ना, तो आराम से जा सकता है अंदर, कुछ ब्रांचिंग नहीं हुई ज्यादा। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह की गोल्ड चेन के अंदर जा सकते हैं, फिट हो सकते हैं और इस तरह के कलर शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है अ लीनियर ट्राइआयोडाइड आयन विद इट्स सॉल्युबल दैट स्लिप्स इनटू द कॉइल ऑफ द स्टार्च कॉजिंग एन इंटेंस ब्लू ब्लैक कलर, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हम किसके लिए करेंगे, जिंक के लिए करेंगे। देखो सबसे पहले हम करते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो इसलिए हमने किया है क्योंकि जिंक जो है वो आपका रेडॉक्स इनएक्टिव होता है, वो जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो उसके अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। जबकि सोल्यूशन के अंदर आपका कॉपर भी था और जिंक भी था, लेकिन हम एक ही सोल्यूशन को लेके आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि जिंक जो है वो कोई रीडिंग नहीं देगा आपको, ठीक है। वो इंटरफेयर नहीं करता है रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर, सिर्फ कॉपर देगा आयोडोमेट्रिक की, तो वहीं से हम कॉपर को डिटरमिन कर लेते हैं। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, जिसके अंदर हमें सिर्फ चाहिए जिंक आयंस। जब आप कॉपर के लिए टाइट्रेशन कर लेते हो आयोडोमेट्रिक, उसके बाद में हम एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट ऐड कर देते हैं ताकि अगर कोई बचा कुचा कॉपर 2+ आयन भी है तो वो उसके अंदर ट्रैप हो जाए और आपको जो है वो रीडिंग ना कर दे, ठीक है। आपको सिर्फ जिंक 2+ की ही रीडिंग मिले। तो यहां पे यही मैंने लिखा हुआ है, डजंट इंटरफेयर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक्सेस ऑफ हम क्या ऐड कर देते हैं थायोसल्फेट, क्योंकि ये ट्रैप हो जाता है केज लाइक स्ट्रक्चर में एंड डज नॉट इंटरफेयर, ठीक है, एस्टिमेशन के अंदर। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आपकी यही है, इसके अंदर आप एक किलेटिंग एजेंट यूज कर सकते हो, जैसे इसके अंदर हम EDTA यूज कर रहे हैं, मेटल आयन है आपका, बाइंड करेगा उसके साथ में आपको कलर मिल जाएगा। अगर इंडिकेटर की जरूरत है तो वो हम ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और फॉर्म करता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स जिससे आप इंडिकेटर आपका जो टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है उसको डिटरमिन कर सकते हो। तो थ्योरी वाली चीजें हो गई बस, ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगी। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आर पर्टिकुलर यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस इन सॉल्यूशन, अलग अलग अगर मेटल आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को प्रेफर करते हैं। वैसे भी मेटल आयन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली चीज है कि ये डेफिशिएंट होता है मेटल, आपका लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लास्ट स्टेटमेंट यही लिखी हुई होगी इसके अंदर, बस यही चीज होती है। आगे देखो जो हमारा इसके अंदर EDTA है,
जिंक के साथ में जब हम कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन करते हैं तो ईडीटीए सॉल्यूशन यूज करते हैं। जो ब्यूरेट के अंदर जाता है वो हमारा ईडीटीए होता है। तो यहाँ पे ईडीटीए की फुल फॉर्म इथिलीन डायमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। अच्छा देखो यहाँ पे जो है आपके ये इथिलीन है ना, तो CH2 बीच में आ गया, इथिलीन डायमीन, तो दो अमीन मतलब दो नाइट्रोजन आ गए, और टेट्रा एसिटिक एसिड, तो ये चार चार मतलब टेट्रा वही हो गया। तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं भी याद हो तो नाम से ही आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखो EDTA को हम H4Y की फॉर्म में भी लिखते हैं, ये मैंने इसलिए लिख के दिखाया है। Y पूरा स्ट्रक्चर होता है और ये जो चार H लिखे हैं ये वाले H होते हैं, ये वाले, एक ये वाला, तो ये आपके हो गए 4H और Y, ठीक है। अगर देखो ये आपका ज्वेटर आइन की फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है, दो आपके जो है एसिडिक प्रोटॉन एक इस वाले साइड से और एक ऑपोजिट साइड से, ये आपके रिलीज हो गए और इस साइड में आपका ये प्लस चार्ज आ गया, तो दो माइनस दो प्लस सेम स्ट्रक्चर के अंदर है, ज्वेटर आइन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका बन जाता है H2Y2-, ठीक है, चार्जेस आपको समझ में आ गए, इस तरीके से आएंगे, दो हाइड्रोजन चले गए, माइनस टू चार्ज आ गया। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि इट हैज फोर कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपको दिख ही रहा है चार कार्बोक्सिल ग्रुप है, दो अमीन है नाइट्रोजन के, और EDTA आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, पॉलीडेंटेट है, इसके अंदर छह साइट है, तो सिक्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, ताकि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सके मेटल कटायन के साथ में, तो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर एड नहीं करा है, तो मेटल का इस तरीके से EDTA के साथ में स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो EDTA बिहेव्स एज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विद टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक ग्रुप्स, मैंने यही चीज यहाँ पर बताई है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करता है। ऐसा नहीं है कि चार है तो आप बोल दो कि चारों ही चले जाए, नहीं, डाइकार्बोक्सिलिक एक इधर से और एक इधर से, ठीक है, विद टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक ग्रुप्स, दो स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप्स हैं, बाई टू हाइड्रोजन एटम्स आर प्रोबेबली हेल्ड इन फॉर्म ऑफ ज्यूटराइन। अब वो दो हाइड्रोजन एटम्स कैसे इसके अंदर फॉर्म रहेंगे, ज्यूटराइन की तरह। ये आपका था EDTA का स्ट्रक्चर और EDTA के बारे में। अगला देखो, इसके अंदर हमारा जो इंडिकेटर है वो यूज होता है EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी, ये हमारा इंडिकेटर यूज होता है, क्योंकि जैसे हमारा मेटल है और EDTA है, मान लीजिए उसके अंदर मेरा जो सोल्यूशन है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर उसमें जिंक 2+ आयंस है, मैंने EDTA डालना स्टार्ट किया, अब हमें पता भी तो लगना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंड पॉइंट कहाँ आएगा, तो कुछ कलर चेंज आना चाहिए, लेकिन मेटल और EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस है, पता कैसे लगाओगे कि एंड पॉइंट कहाँ पे चला गया, तो इसीलिए हम EBT इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि अब कलर चेंज होना है, और कलर चेंज होने पर ही हम क्या करते हैं रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, EBT अलग अलग pH पे अलग अलग कलर्स देता है, अलग अलग कलर देगा अलग अलग pH पे, जैसे 6 तक ये दे रहा है रेड, और इससे आगे बढ़ते हैं तो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस है, तो एंड पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए EBT इंडिकेटर ऐड करते हैं। अब इसमें है pH रेंज आपका जो है इस तरीके से है 7-11 का, ठीक है, 7-11 का इसका pH रेंज है। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, मेटल जो आपका सोल्यूशन के अंदर है उसमें अगर हम इंडिकेटर ऐड कर देंगे तो आपको मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसका कलर आपको दिखेगा कि पहले ब्लू था, फिर उसके अंदर वही जो सोल्यूशन है जो ब्लू कलर का है अब उसमें हम EDTA ब्यूरेट से ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, टाइट्रेट करेंगे, ठीक है, शेक करते रहेंगे हम कॉन्टिन्यूसली, शेक करते 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 एक टाइम पे आके हमारा क्या बनेगा, सारा का सारा मेटल EDTA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो भी आप उसके अंदर डालेंगे EDTA, अब वो किसी मेटल के साथ में बाइंड नहीं करेगा, तो आपका जो फ्री इंडिकेटर अब बचेगा वो आपका अलग निकलेगा और अपना इंडिविजुअल कलर देगा, तो एंड पॉइंट क्या दिखेगा, दूसरा कलर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कलर चेंज जाएगा ये जाएगा पहले होगा वाइन रेड और फिर चले जाएगा ब्लू में, ठीक है, तो मेटल इंडिकेटर वाला जो कलर है वो आपको वाइन रेड शो होगा और जो फ्री इंडिकेटर है वो आपको ब्लू कलर का शो होगा, ठीक है, ये हो गया। रिएक्शन विल प्रोसीड मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स अगर ज्यादा स्टेबल है मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स से। अब रिएक्शन तो आपकी तभी प्रोसीड करेगी ना अगर आपका मेटल EDTA वाला
बनेगा ही नहीं, तो आपका मेटल इंडिकेटर ही बना रहेगा और रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी, तो कभी भी आपका एंड पॉइंट नहीं आएगा, आपको फ्री इंडिकेटर अलग चाहिएगा। तो यहाँ पे आपका मेटल ईडीटीए जो है वो मोर स्टेबल होना चाहिए, ताकि मेटल इंडिकेटर को वो छोड़ के मेटल ईडीटीए वाला कॉम्प्लेक्स बनाए। तो मेटल ईडीटीए ज्यादा स्टेबल होना चाहिए मेटल इंडिकेटर से, ताकि इंडिकेटर अलग से मिले। ईडीटीए सोल्यूशन को जैसे आप ऐड करोगे, मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर कम होती चली जाएगी, ठीक है, डिक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। तो जैसे जैसे आप ईडीटीए ऐड करोगे, मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी, क्योंकि वो तो अब ईडीटीए के साथ में ट्रैप होता चले जाएगा, तो वहां पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। फिर अगर आप और ईडीटीए डालोगे तो आप कोई मेटल बाइंड नहीं होगा, फ्री इंडिकेटर बाहर निकलेगा, सोल्यूशन का कलर ब्लू मिलेगा आपको, ठीक है। सो द कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, कलर चेंज आपका रेड टू ब्लू जाएगा। जो इसकी रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कि पहले आप जो है इसमें वाइन रेड कलर मिलेगा, मेटल इंडिकेटर है ये। फिर इसके साथ में जब हम ईडीटीए को टाइट्रेट करते हैं, ईडीटीए के साथ में जब इसको टाइट्रेट करते हैं, तो फ्री इंडिकेटर यहाँ पे ये मिलता है ब्लू कलर का, और इसके साथ में ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा ग्रेविमेट्रिक है। ग्रेविमेट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है बेसिकली, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक हाईली इंसॉल्युबल स्टेबल प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि टिन का हम कर रहे हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो एक बस आपको स्टेबल और इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाना है, जिसको आप वे करोगे और वही आपका वेव मास वगैरह निकल के आ जाएगा, बस इतनी सी चीज है इसके अंदर, ठीक है। द प्रेसिपिटेट आइसोलेटेड इन एज मच एज प्योर फॉर्म, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्योर फॉर्म के अंदर हम उसको आइसोलेट मतलब निकाल कर लेकर आते हैं और उसको वे कर लेते हैं, बस यही इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर किया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने लिखी हुई है, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हो। अब इसमें आपको ध्यान में चीजें क्या रखनी होती हैं, कि आप एक अच्छे तरीके से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को कर पाए। प्रेसिपिटेट जो है वो आपका सफिशियंटली इनसॉल्युबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने उसको प्रेसिपिटेट बनाया और वो सारा जो है उसमें चला गया, इनसॉल्युबल रहना चाहिए। साइज पार्टिकल्स का देखिए, हाँ, फिल्टरेबल साइज का होना चाहिए, लार्ज पार्टिकल साइज। तो जो आपका वॉटमैन फिल्टर पेपर है और जो आपके एक्चुअल पार्टिकल का साइज है वो फिल्टरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं आप वॉशिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं इसके अंदर, डाइजेशन करते हैं, वॉशिंग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, तो उनके अंदर ऐसा नहीं है कि वो बह जाए फिर, ठीक है। तो पार्टिकल का साइज कैसा होना चाहिए, फिल्टरेबल होना चाहिए, ताकि प्रेसिपिटेट आपको मिले वॉटमैन पेपर पे। इट शुड बी कन्वर्टेबल टू अ फॉर्म हुज कंपोजिशन इज नोन, ऐसी फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करिए, चाहे ऑक्साइड बनाओ चाहे कुछ और बनाओ, जिसका कॉम्पोजिशन आपको पता हो, ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए, इसीलिए ये पॉइंट यूजफुल है। वेबल फॉर्म मस्ट नॉट चेंज इट्स कॉम्पोजिशन ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब जो आपने उसके अंदर कॉम्पोजिशन लेकर आए हो, जिस प्रेसिपिटेट को आपने बनाया है वे वगैरह करने के लिए, उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो उसने अपनी फॉर्म ही चेंज कर ली है, आधा प्रेसिपिटेट उड़ गया, बह गया, गायब हो गया, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो जितना है एज इट इज उसी फॉर्म में रहना चाहिए, परसिस्ट करना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, ये चीजें। तो ये चीजें ध्यान में रखने की होती है एक्सपेरिमेंट करते हुए, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हुए। ये आपकी टेक्निक्स होती हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं टिन का, ठीक है। तो देखो पहला जो स्टेप है ना इसके अंदर, ये प्रेसिपिटेशन करने का है, तो प्रेसिपिटेशन करते हैं, टिन को हम कन्वर्ट करते हैं मेटास्टेनिक एसिड के अंदर। मेटास्टेनिक एसिड बन जाता है आपका इस तरीके से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑक्साइड की फॉर्म में। इसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं, तो प्रेसिपिटेशन करने के लिए कुछ तो ऐड करोगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं 1:1 का, ये सोल्यूशन का है बस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो बर्नर होता है उसके ऊपर अच्छे से हीटिंग करते हैं, फिल्टर पेपर पल्प वगैरह डाल के अच्छे से उसकी हीटिंग की जाती है, वो पार्ट आता है आपका डाइजेशन के अंदर, ठीक है। हीटिंग प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ एशलेस फिल्टर पेपर पल्प। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फिर उसको फिल्ट्रेशन करने का, जब फिल्टर हो जाता है तो फिर उसकी वॉशिंग कर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इग्निशन। मेटास्टेनिक एसिड से हम स्टेनिक ऑक्साइड बनाते हैं, मैंने कहा ना हम कन्वर्ट उसी चीजों में करके लाएंगे जिसका हमें कॉम्पोजिशन पता हो, नोन हो, इजिली हम उसको कैलकुलेट कर पाए, कैलकुलेशन भी तो करनी है इस चीज की। नेक्स्ट है हमारा कूलिंग एंड वेइंग। अब जब आपका स्टेनिक ऑक्साइड एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आ गया है प्रेसिपिटेट, अब बस उसको ठंडा होने का इंतजार करना है और वे कर लेना है, जितना वजन वगैरह आएगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एशलेस फिल्टर पेपर पल्प जो है वो हम किस लिए ऐड करते हैं, ताकि फिल्टर करने में आसान रहे,
ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पार्टिकल्स जो है ना वो अच्छे से आ जाते हैं, तो इसीलिए हम एशलेस फिल्टर पेपर पल्प भी वहां पे यूज कर रहे थे डाइजेशन करते हुए। पेपर पल्प बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉटमैन फिल्टर पेपर 42 नंबर वाला जो है, अलग अलग नंबर होते हैं इसमें, 42 नंबर फोल्ड करना है, हाफ पेपर को कट करना है स्मॉल पीसेस में, बीकर के अंदर लेना है, 3-4 ml इसमें कॉन्गेचन थ्री डालोगे, उबाल लोगे, फिर उसको बॉइल कर लोगे, ठीक है। मल्टीपल वॉशिंग करनी है डीआईएनआईस जो आपका वाटर होता है उसके साथ में। इसके बाद में लिक्विड अमोनिया डाल के ट्रांसफर कर लेना है बीकर जिसके अंदर आपका प्रेसिपिटेट है। तो ये प्रोसीजर वाली चीज हो गई, इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। देखो पेप्टाइजेशन एक चीज होती है, वो भी आती है इसके अंदर, पेप्टाइजेशन एक चीज होती है वो आती है इसके अंदर टर्म। प्रेसिपिटेट पासेस इनटू कोलाइडल फॉर्म, पीपीटी कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। तो प्रेसिपिटेट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल फॉर्म के अंदर, तो वो आपका पास हो सकता है फिल्टर पेपर के पोर्स में से, अगर साइज उसका छोटा होगा तो पास हो जाएगा। कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, अमाउंट जो है वो उसकी ज्यादा होनी चाहिए कोएगुलेशन वैल्यू से, जितनी कोएगुलेशन वैल्यू उससे ज्यादा होगी तो वो आपका प्रिवेंट हो जाएगा, भाई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो उसके अंदर, ये सब चीजें। दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड इन अ पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन विदाउट इंटरफेयरिंग विद द डिटर्मिनेशन इटसेल्फ। तो जो कोएगुलेशन वैल्यू है, मतलब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है जो उसके लिए जरूरी है ताकि कोएगुलेशन हो जाए उस कोलोइड का, उससे ज्यादा ऐड करोगे तो आपका ये जो सोल्यूशन है ये पास नहीं होगा फिल्टर पेपर में से, ठीक है। अब ये सब थ्योरी के अंदर चीजें आती है कि कोएगुलेशन वैल्यू क्या है कैसे है, तो इसकी काफी अच्छी खासी थ्योरी है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। अब प्रॉपर्टीज है इसके अंदर वॉश लिक्विड की, ये वोलेटाइल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। अब जिससे आपने वॉश किया उसका भी वे आ जाए तो गलत चीज हो गई आपकी कैलकुलेशन के लिए, तो वो क्या है उड़ जाना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे ही, ठीक है। ना हीट करना पड़े ना कोई और उसके अंदर फिजिकली हमें मेहनत करनी पड़े, तो वोलेटाइल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। मस्ट नॉट डिजोल्व प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट डिजोल्व नहीं होना चाहिए, प्रेसिपिटेट ही हम बना रहे हैं वही डिजोल्व हो जाए तो प्रेसिपिटेट डिजोल्व नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विद पीपीटी, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए प्रेसिपिटेट के साथ में। तो प्रेसिपिटेट भी आ गया और जो आपने ये लिक्विड लिया है उसका भी कुछ ना कुछ आ गया उसमें बच के, तो दोनों का वे हो गया, तो इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए और शुड नॉट इंटरफेयर इन द डिटर्मिनेशन, और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये हर चीज जो लिखी हुई है ये सारी इंटरफेयरिंग ही हो रही है एक तरीके से, तो बस इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जो हम करना चाह रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन मैंने लिखी थी और ये मेरा प्रोसीजर है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसीजर मैं आपको एक बार सीरीज में पूरा बता देती हूँ, इधर कैलकुलेशन साथ साथ में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है पीछे करके दोबारा से भी सुन लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, आपके पास में जो गन मेटल दिया है उसका सबसे पहले हम डिसोल्यूशन करेंगे। डिसोल्यूशन मतलब पहले उसको हम सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। देखिए डिसोल्यूशन करेंगे, आपका जो गन मेटल है जितने भी ग्राम आपको दिया है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे और वॉर्म कर लेंगे जब तक आपका प्रेसिपिटेट ना आ जाए तब तक, ठीक है। इसके बाद में उस सोल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे वॉटमैन फिल्टर पेपर से एक दूसरे बीकर के अंदर, और जो भी फिल्टरेट है उसके अंदर हम K2SO4 ऐड कर देंगे। सोल्यूशन को फिर से गर्म करेंगे और फिर से फिल्टर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 3 पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है, फिल्टरेट जो आएगा उसके अंदर कॉपर और जिंक होगा, ठीक है। एक फिल्टरेट आएगा आपके पास में इस तरीके से लिक्विड, इसके अंदर आपका कॉपर और जिंक दोनों होगा, और जो प्रेसिपिटेट वाली चीज बचेगी उसमें आपका टिन होगा, ठीक। ये चीज लिखी है, फिल्टरेट वॉज ट्रांसफर्ड। अब जो फिल्टरेट आया है उसको आप 250 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर करोगे, वॉल्यूम मेकअप कर दोगे कहां तक, जहां तक भी आपका है, ठीक है, डिस्टिल वाटर से। नेक्स्ट चीज है, आप स्टैंडर्ड जिंक ऑक्साइड का सोल्यूशन बनाओगे। स्टैंडर्ड जिंक ऑक्साइड के लिए 0.203 ग्राम हम जिंक ऑक्साइड को वे करते हैं। यहां पर मैंने कैलकुलेशन लिखी है कैसे आया है 0.203, ठीक है, ये आप देख सकते हो। कैलकुलेशन वाली चीज है क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसके अंदर, तो ये जिंक ऑक्साइड आप लेंगे और 100 ml आपका जो स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है छोटा वाला जो होता है 100 ml का, उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। आप उसके अंदर जैसे ही वाटर ऐड करोगे आपको टर्बिडिटी दिखाई देगी उसके अंदर, उसको क्लियर करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड एससीएल डाल देते हैं, या फिर आप 2-4 बूंद भी डाल दोगे तो शायद वो क्लियर हो जाए, कभी कभी थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ती है, तो ड्रॉप्स आप डाल सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड एससीएल की। फिर उसके बाद में सोल्यूशन क्लियर हो जाए, जब पूरा सोल्यूशन क्लियर होना चाहिए उसके बाद में हम वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो आप प्रिपेयर कर रहे हो जिनकी मोलैरिटी आपको पता है,
नो नैपो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है एम बाई 40 ZnO जिंक ऑक्साइड का सोल्यूशन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। सेम नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है स्टैंडर्ड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट सोल्यूशन एम बाई 40 100 ml के अंदर, और वे निकाल लिया इतना वे करना है, इसका वे निकाल लिया इतना वे करना है, मोलैरिटी दोनों की निकाल के दिखा दी मैंने 0.025 मोलर यानी एम बाई 40, दोनों कह सकते हैं एक ही बात है। इसके बाद में देखिए प्रिपरेशन कॉपर सल्फेट की बताई थी मैं यहाँ पे, तो इतना वे करेंगे ठीक है, इसके बाद में ट्रांसफर कर लेंगे। अब जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट वाला सोल्यूशन होता है आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखाई देगा, उसके अंदर हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड डलता है इसके अंदर, और इसके बाद में हम वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है। उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं 20 ml। मैं यहाँ थ्योरी की बजाय मैं यहां से बता देती हूँ क्योंकि ये जो लिखा होता है ये इसी की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे मैं आपको इसमें से बता देती हूँ। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन थायोसल्फेट का कैसे करते हैं, 20 ml लिया मैंने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसमें मैंने सोडियम बायोकार्बोनेट डाला 1 pinch, ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला इसके अंदर जब तक टर्बिडिटी गायब ना हो जाए तब तक, फिर हम इसके अंदर हम KI ऐड करते हैं। KI आप वही वाला ऐड कर रहे हो जो मैंने रिएक्शन के अंदर आपको दिखाया था ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपका आयोडोमेटिक टाइट्रेशन के अंदर, तो ये वही KI है। जैसे ही आप KI डालोगे इसको हम कवर करते हैं डार्क यानी अंधेरे में रख देते हैं, उसके बाद में इसमें से आयोडीन लिबरेट होती है। रिएक्शन में आपने देखा था आयोडीन लिबरेट हो रही थी, फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो आयोडीन लिबरेट होगी, आयोडीन लिबरेट होती है तो एकदम डार्क ब्राउन कलर आता है। उसके बाद में हम इसको टाइट्रेट करते हैं किससे, थायो सोल्यूशन के साथ में, थायो सल्फेट जो सोल्यूशन है N2SO3, उसके बाद में आता है स्ट्रॉ येलो कलर, येलो कलर आएगा, उसके बाद में हम इंडिकेटर स्टार्च ऐड करते हैं और एंड पॉइंट आ जाता है डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आप करोगे वो क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन है, ये चीज आप देख सकते हो। EDTA का भी हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं जिंक ऑक्साइड वर्सेस EDTA सॉल्यूशन करके, तो जिंक ऑक्साइड का लिया मैंने 20 ml, इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं EBT इंडिकेटर ठीक है, अमोनियम ये आपका बफर ऐड होता है, अमोनिकल बफर इंडिकेटर EBT हो गया, और एंड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया वाइंडर टू ब्लू जाता है। इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएंगी। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन करते हुए हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, मोलैरिटी ऑफ थायोसल्फेट की, मोलैरिटी ऑफ EDTA की। देख लीजिए यहाँ पे ये मोलैरिटी आ गई इसकी, ये मोलैरिटी आ गई इसकी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जो हमें एक्चुअल सोल्यूशन दिया था जिसका हमें एस्टिमेशन करना था, तो अब उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास में कॉपर भी है और जिंक भी है, तो पहले क्या करेंगे, कॉपर की जिंक पहले कॉपर करेंगे क्योंकि जिंक तो इंटरफेयर करेगा नहीं आपका आयोडोमेट्रिक के अंदर, तो पहले हम कॉपर वाली कर लेंगे। तो कॉपर के लिए सेम आपका प्रोसीजर है, सेम ही आपकी कैलकुलेशंस वगैरह है ठीक है, तो ये सेम ही रीडिंग रहेगी। अब इसके बाद में जब कॉपर आपका एस्टिमेट हो गया, एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट डालेंगे, फिर सेम ही चीज हम परफॉर्म करेंगे किसके लिए, आपका जिंक के लिए ठीक है, जिंक 2+ ions के लिए, तो सेम आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के लिए भी रहेगा। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है ये कॉपर वाला रीडिंग, ये मैंने लिखी है जिंक वाली, यहाँ पे मैंने रीडिंग्स मेंशन नहीं करी है लेकिन पूरा फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है किस तरीके से है, जो भी आपका आता है आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब बचा टिन, टिन वाला जो हमारे पास में प्रेसिपिटेट है, तो देखिए गन मेटल के अंदर जो आपका टिन है पहले हम इसका क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन ठीक है, इसके बाद में लिखा है मैंने डाइजेशन, हीटिंग करेंगे इसकी हम, और इसके बाद में करेंगे फिल्ट्रेशन और वॉशिंग। आप पॉज करके भी बाद में देख के पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद में हमारा इग्निशन का आता है, मेटास्टेनिक एसिड से ऑक्साइड बनाएंगे, तो ऑक्साइड के लिए हमें इग्निशन करना पड़ेगा, तो तभी ऑक्साइड बनता है। उसके बाद में कूल करेंगे और वे कर लेंगे। अब देखिए ये तो हुई थ्योरी वाली चीज की ऐसे करना है, मैंने वो लिखा है। अब एस्टिमेशन में देखिए टिन का कैसे लिखा है कि एम्प्टी जो क्रूसिबल है वो कितने वे की है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रूसिबल प्लस जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट है उस ओवरऑल वे कितना है, दोनों का माइनस करोगे तो किसका वे आएगा, आपका प्रेसिपिटेट का ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्रूसिबल है और इसमें भी क्रूसिबल है, तो क्रूसिबल तो हटेगा तो किसका वे आएगा, PPT का माइनस करने पे, तो यही किया है 2 ये वाला -1, तो कितना आया इतना ग्राम्स। देखिए अब एक हमने किस फॉर्म के अंदर लेकर आए हैं टिन को, ऑक्साइड की फॉर्म में, स्टेनिक ऑक्साइड ठीक है, तो 1 mole SnO2 में Sn4+ ions है, 1 mole यहाँ पे Sn की स्टेट ही लिखी है मैंने, 4+ और कुछ नहीं है, तो
तो एसएन ओटो में एक मोल जो है एसएन फोर प्लस आयंस है। अब एसएन ओटो में आपका जो मास है एक मोल एसएन ओटो का वो कितना है 150.69 ग्राम्स है। कैलकुलेशन वाली चीज और कुछ नहीं है। तो एसएन फोर प्लस आयंस अगर आप लोगे तो एसएन का जितना होता है वही आपका हो जाएगा 118.69 ग्राम्स। मतलब मोल वाली चीज को मैंने ग्राम्स में लिख दिया बस और कुछ नहीं किया। तो एक ग्राम का कितना हो जाएगा डिवाइड कर देंगे निकल जाएगा। ठीक है, एक ग्राम का कैसे निकलेगा आपका डिवाइड करके निकल जाएगा। इसके बाद में जो डिवाइड करोगे तो इतना आएगा और अगर इतना ग्राम प्रेजेंट है तो उसने से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यहां पे मैंने एक्स ग्राम्स लिखा है ना, जब आप यहां वैल्यू रखोगे माइनस करोगे तो जो एक्स ग्राम आएगा वो ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। फिर अगर परसेंटेज पूछता है टिन की कितनी है उस गन मेटल सैंपल के अंदर या फिर जो भी सैंपल गिवन है, गन मेटल ही नहीं और भी कोई सैंपल है तो उसमें, तो परसेंटेज अगर पूछता है तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं टोटल से डिवाइड और इंटू 100 ऐसी निकलती है परसेंटेज। तो जो भी आपका ये मास आया है नीचे आपका मास ऑफ सैंपल कितना था, सैंपल का मास कितना था मल्टीप्लाई विद 100%, तो ऐसे आपकी निकल जाएगी परसेंटेज ऑफ टिन। ठीक है, इसके बाद में मैंने ये बस NFPA का ऐड किया हुआ है। इसमें आपका ये लेवल ऑफ हैजर्ड बताता है, यहाँ पे हेल्थ का है, फायर का है, यहाँ पे स्पेसिफिक और इंस्टेबिलिटी का। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स।